गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ICER का जो थर्ड राउंड है उसमें कितनी रैंक तक लगभग सीट अलॉट हुई है, क्योंकि एक्चुअल डाटा ICER के द्वारा नहीं दिया जाता है। सभी स्टूडेंट से मेजर या मेरे टेलीग्राम से, व्हाट्सअप से सभी स्टूडेंट से मैंने एक डाटा कलेक्ट किया है, उसी के बेसिस पे हमने एक ऑफिशियल अनऑफिशियल कट ऑफ तैयार किया है, जिससे आपको एक अप्रोक्स आइडिया हो जाए कि इस बार जो है कितनी रैंक तक जो है थर्ड राउंड में सीट अलॉट हुई है। ठीक है, मॉकअप में कौन कौन से स्टूडेंट को सीट है वो मिल सकती है। ठीक है, इस टॉपिक पे हम बात करने वाले। वैसे सबको पता है कि इस बार जो है सीट अलॉटमेंट की बात की जाए थर्ड राउंड में, ठीक है, तो थर्ड राउंड में लास्ट ईयर की कंपेरिज में इस बार कम रैंक पे अलॉट हुई है। पिछली बार 12,000 तक सीट अलॉट हो चुकी थी, लेकिन इस बार 11,000 के समथिंग की क्लोज हो चुकी है। उसके पीछे वजह सबको पता है कि नीट के स्टूडेंट ने सीट ड्रॉप नहीं की है। ठीक है, सीट उतनी ही है, थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, लेकिन उनमें क्या है कि सीट ड्रॉप न होने के कारण कि आपका जो है रैंक बहुत नीचे चला गया है। ठीक है, अभी थर्ड मॉकअप राउंड ICER का होना बाकी है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपके पास आने वाले ऑफलाइन रिपोर्टिंग या कुछ कॉलेजेस से उनका शो करेंगे, सारे कॉलेजेस को तो नहीं कर पाएंगे, कॉलेजेस को शो करेंगे कैसी गवर्नमेंट कॉलेज होती है ICER की, उनके लिए आपकी वीडियो पास आपके पास आ जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम थर्ड राउंड की कट ऑफ की। ठीक है, इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या होने वाली है, जैसे आप OBC से हो, SC से हो, ST से हो, जिस भी कैटेगरी से हो उसके अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। कोर्स वाइज सीट कोर्स से कोर्स में कितनी कट ऑफ गई है, जैसे आप फॉर एग्जांपल BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, ठीक है, कम्युनिटी साइंस, इन सब की हम बात करेंगे। रैंक कितनी रैंक पे आपको सीट है वो थर्ड राउंड तक, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक कितनी जो है रैंक तक सीट अलॉट हुई है, जिससे आपको एक अप्रोक्स आइडिया हो जाए कि इस रैंक तक थर्ड राउंड में अलॉट हुई है। ठीक है, अब आपको अलॉट होने के चांसेस है मॉपअप में। ठीक है, उसके बाद में आपको मॉपअप राउंड की कैसी काउंसलिंग करें ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे, लेकिन देखो सबसे क्योंकि ये मेन टॉपिक है इस वीडियो का, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने मैंने देखा है कि उनके बहुत अच्छे रैंक होने के बाद कुछ सीट नहीं मिल पाई है। अब उनसे पूछा गया कि सीट आपको क्यों नहीं मिली, ठीक है, तो उनका एक ही जवाब है कि सर हमने चॉइस फिलिंग की थी, लेकिन हमने सारे कॉलेजेस फिल किए थे। वो बात नहीं है कि सारे कॉलेजेस आपने फिल किए थे, सारे कॉलेजेस फिल करने से कुछ नहीं होती, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सी कॉलेज अलॉट होनी चाहिए वो आपको पहले प्रेफरेंस पे रखनी चाहिए थी। जबकि आपने क्या किया, GB पंत, ठीक है, INDRI, सब ऐसे सब कॉलेज फिल कर दिए जो कि टॉप कॉलेजेस है, टॉप रैंक वालों को मिलती है, आपको इसलिए सीट अलॉट नहीं हुआ थर्ड राउंड में। ठीक है, तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं इस वीडियो में क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट हमसे पेड काउंसलिंग करवाना चाहता है, ठीक है, वो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकता है, इस नंबर पे वो है कॉन्टेक्ट कर सकता है, और जिसकी जो इससे चार्जेस से आपको दिखाई दिया होगा। ठीक है, आपको पहले कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं कि हमको मॉकअप राउंड करवाना है। आपने लास्ट वीडियो में, मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने बहुत से स्टूडेंट का काउंसलिंग किया, उन्हें सीट अलॉट हुई है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे जिनको अलॉट नहीं है, उनको अभी अलॉट हो जाएगी फॉर मॉकअप राउंड में। ठीक है, उसका लिंक, मेरे उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से आप थोड़ा उस वीडियो को देखें, आप समझ सकते हो कि किस तरह से हमने काउंसलिंग प्रोसेस किया उसमें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं BSc AG कि BSc AG में, आप सब जानते हैं BSc एग्रीकल्चर में कितनी रैंक तक सीट अलॉट हुई है, हालांकि इससे ऊपर भी हो सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो एक अप्रोक्स आइडिया हमने जो स्टूडेंट से कलेक्ट किया है उनकी अलॉटमेंट लेटर देखे, ठीक है, तो 6,000 रैंक OBC एंड जनरल को BSc एग्रीकल्चर को थर्ड राउंड में सीट अलॉट हुई है। ठीक है, जिनकी कैटेगरी रैंक 2,821 के लगभग थी, जिनको महाराष्ट्र और PCBA वो सब्जेक्ट थे। ठीक है, तो BSc और जनरल के लिए आप मान सकते हो कि BSc AG को जनरल के लिए रैंक जो है 6,000 तक सीट अलॉट हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है ST और SC की बात की जाए, तो 8,247 रैंक तक जो है सीट है वो अलॉट हुई है, इससे ज़्यादा भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन इसको सेकंड राउंड में सीट अलॉट होगी 8,247 पे। ठीक है, जो कि PCB का स्टूडेंट है। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर के लिए। हॉर्टिकल्चर की बात की जाए तो OBC और जनरल के लिए लगभग जनरल के लिए 7,356 तक सीट अलॉट हुई है, उसके बाद 7,580 तक सीट अलॉट हुई है। तो एक अप्रोक्स आइडिया आपको लग गया होगा कि लगभग 8,000 के लगभग जो है हॉर्टिकल्चर का सीट है वो अलॉट हुई है। ठीक है, फॉर OBC एंड जनरल कैटेगरी के लिए, जिनका कैटेगरी रैंक 3,480 के लगभग था,
एस की बात की जाए जो कि पीसीएम स्टूडेंट है, उनकी 22,932 तक सीट अलॉट हुआ है फॉर जो है हॉर्टिकल्चर के लिए। 23,000 रैंक में भी सीट अलॉट हुआ है एस सी कैटेगरी के लिए, जो कि मैंने एक स्टूडेंट का काउंसलिंग किया था, उनको 23,000 तक जो है सीट अलॉट हुआ है फॉर हॉर्टिकल्चर के लिए, जो कि एस टी कैटेगरी से थे, पीसीएम से थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि एबीसी के जो स्टूडेंट है, एबीसी के स्टूडेंट को जो है सीट है वो 6,174 पर सीट अलॉट हुई थी फॉर हॉर्टिकल्चर के लिए। ठीक है, आपको सबको पता है कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जो भी है वो चार ही कोर्सेज कर पाते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपने देखा होगा कि इससे कम रैंक है जिस स्टूडेंट के, तो उनको सीट अलॉट नहीं हुआ। तो ये सारा खेल जो है काउंसलिंग पे डिपेंड होता है, आप किस तरह से जो है कॉलेज फील करते हो, ठीक है, चॉइस फील कैसे करते हो, इस सब पर आपका जो है पूरा जो है फोकस रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपको कि फॉरेस्ट्री में आपकी कितनी रैंक तक जो है सीट अलॉट हुई होगी। ठीक है, जितना हमने डाटा कलेक्ट किया है उसके अनुसार हम बताते हैं कि आपको ओबीसी में 8,551 तक, ठीक है, 91 तक जो है सीट अलॉट हुआ है, 8,591 तक सीट है जो फॉरेस्ट्री के लिए ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को जो है अलॉट हुई है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं जनरल ओबीसी की रैंक, तो आपको जनरल की बात की जाए तो 7,493 तक, मतलब 7,493 तक जो है सीट है वो फॉरेस्ट्री के लिए अलॉटेड हुई है। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट्स हैं तो वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके आपसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि कम्युनिटी साइंस के लिए, एस सी साइंस के लिए हम बात करें, ठीक है, तो कितनी रैंक तक जो है आपको सीट अलॉट हुआ है, तो 9,000 पर जी बी पंत किसी स्टूडेंट को अलॉट हुई थी। ठीक है, उसके बाद में 11,000 तक सीट है वो अलॉट हुई है। तो आप एक अप्रोक्स आइडिया लगा सकते हो कि जो है 11,000 तक सीट अलॉट हुई है इस बार थर्ड राउंड में। ठीक है, तो फोर जो कि पीसीएम से नहीं है, पीसीबी से और एबीसी से है। ठीक है, एबीसी वाले भी नहीं कर सकते, लेकिन बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि सर हमें को कम्युनिटी साइंस नहीं लेना होता। ठीक है, तो देखो आपको इंटरेस्टेड यदि नहीं है तो आप कोर्स तो ले लीजिए, ठीक है, अपना एक साल बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आपको यदि नेक्स्ट ईयर क्या परपेस जाते हैं वहाँ पर आपको अच्छी सीट नहीं मिल पाती है तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप कम्युनिटी साइंस जो भी कोर्स मिलता है आईसीआर का वो कोर्स ले लीजिए, उसके बाद में आप अपने यहाँ पे कॉलेज में आके, ठीक है, आप प्रिपरेशन कीजिए। यदि आपको सीट अगले साल अच्छी कोर्सेज में सीट मिल जाती है, या आपका नीट में हो जाता है, या कहीं भी आपका हो जाता है दूसरी एग्जाम में, तो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आपका सीट है आपके पास। यदि नहीं होता, बाई चांस भगवान ऐसा नहीं करे, लेकिन यदि आपको नहीं मिलता तो ये सीट आपके पास रहेगी। ठीक है, तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया कि आपको ड्रॉप यदि आईसीआर की कोई भी सीट है वो मिल रही है तो आप उसको मत छोड़िए। ठीक है, आप वो ले लीजिए चाहे जैसा भी कोर्स हो, ठीक है, उसमें स्टडी कीजिए और साथ साथ में आपको जिस कोर्स के लिए आपको प्रिपरेशन करना है वो कोर्स भी आप कर लीजिए। ठीक है, तो इससे आपको बेनिफिट होगा, टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा। यदि आपको वहाँ पर सीट मिलता है नेक्स्ट ईयर तो आप वहाँ एडमिशन ले लीजिएगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं बीटेक एग्रीकल्चर के लिए। तो बीटेक एग्रीकल्चर के लिए बात की जाए तो अपने जो है ओबीसी रैंक की बात की जाए तो 20,845 सीट अलॉट हुई है फॉर थर्ड राउंड में बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। एसटी की बात की जाए तो 32,000 तक, एससी की बात की जाए तो एससी की हम बात करते हैं तो एससी में आपको 20,558 तक सीट अलॉट हुआ है। ठीक है, 11,000 पर जनरल एंड ओबीसी के लिए, ठीक है, ये ओबीसी में 15,000 के लिए, और कुछ स्टूडेंट को ये एससी के स्टूडेंट को ही सीट अलॉट हुई है 20,845 पे डॉट की ओबीसी। ओके, तो ओबीसी के स्टूडेंट की बात की जाए तो ओबीसी को 15,000 तक सीट अलॉट हुई है। जो ये डाटा लिया गया है मैंने, ये टेलीग्राम से मेरे स्टूडेंट, जितना भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं उनकी जो सीट अलॉटमेंट के बेसिस पे लिया गया है, न कि कोई ऑफिशियल साइट से लिया गया है। हम पहले ही बोल रहे हैं, फिर आप कमेंट करते हो कि सर ये गलत है। ठीक है, तो ये इससे ज़्यादा रैंक पर भी मिला है तो मिल सकता है, हम ये नहीं कह रहा कि मिला नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबका डाटा हमारे पास नहीं है, न ही कोई ऑफिशियल साइट से जारी किया जाता है और न ही कोई यूट्यूब पर आपको पूरा आइडिया नहीं देता है, क्योंकि हम गलत इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा है कि एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाए। तो एक अप्रोक्स आइडिया आप इससे इस रैंक से आप लगा सकते हो कि इतनी रैंक तक आपको सीट है वो अलॉट हुई है। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट की डाउट्स रहती है, ठीक है, आगे मोपो ग्राउंड में हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे रखे हैं। ठीक है, वहाँ पे आप कॉल करके हमसे डिस्कस कर सकते हो, आपकी जितना रैंक है उसके बेसिस पे हम आपको डिस्कस करेंगे कि इतनी रैंक तक आपको सीट अलॉट हुई है, पेमेंट करके आप हमसे काउंसलिंग पेड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हो सकते हो। ठीक है, तो अभी भी किसी के स्टूडेंट के कोई भी डाउट यदि बचता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। थैंक यू।
यू गैस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका ICR का कॉलेज कैसा होता है, ठीक है, वो सारी प्रोसेस हम दिखाएंगे आपको, या तो वीडियो के क्लिप के रूप में हम डाल देंगे यूट्यूब पे, ठीक है। वहाँ पे हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा कि कैसा आपका गवर्नमेंट जो है BSc एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट होता है, बाकी डिपार्टमेंट्स भी हम दिखाएंगे। तो इससे सारा आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा कि कॉलेज हमारी गवर्नमेंट कॉलेज जो होती है ICR की, वो कितनी अच्छी होती है, उनमें एनवायरमेंटल कैसा होता है, इन सबका आपको पता लग जाएगा। तो आई होप सबको कोई भी डाउट नहीं है, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। तब तक मिलते हैं, जब तक चैनल पे बने रहिए, जब तक आपका सीट अलॉटमेंट नहीं हो जाता, आप कॉलेज में अच्छे से नहीं पहुंच पाते, ठीक है, तब तक चैनल में बने रहिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड नाइट एंड गुड बाय।